हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टेक्निकल MS यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब शॉर्ट के लिए फोटो से वीडियो किस प्रकार से बना सकते हो। तो इस वीडियो के साथ बने रहे, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब शॉर्ट पर एक यूट्यूब शॉर्ट फीचर है जिसमें आप शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, आपको मिल रहा होगा यहाँ पर ये शॉर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर शॉर्ट वीडियो आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे शॉर्ट वीडियो है ये, और यहाँ पर भी एक ऑप्शन है शॉर्ट का, अलग से एक विंडो दिया गया है जिसमें आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं। तो इसमें आपको फ़ोटो से वीडियो बनाना होता है। जैसे कि आपके पास कोई फ़ोटोज़ है, ज़्यादा सारी फ़ोटो हैं, बहुत सारी फ़ोटो है, उसको आपको वीडियो बनाना है। तो आप यूट्यूब शॉर्ट पर फोटो है आपके पास, उसका आपको वीडियो बनाना है और आपको यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, आज इस वीडियो के साथ आपको मैं बताऊँगा। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ वीडियो मैं बनाता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस का आइकॉन है, यहाँ पर तो फिर आप दोस्तों किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे प्ले स्टोर ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर सर्च करना है VN एडिटर। आप जैसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो VN एडिटर ऐप है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। यहाँ से मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो अपडेट का ऑप्शन है, अभी मैं अपडेट नहीं करता हूँ। आपको अपडेट लगे तो आप अपडेट कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए सबसे पहले, फिर इसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ से ओपन करके ही दिखा देता हूँ VN एडिटर। जैसे कि ये एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो इस प्रकार का लोगो है, देख सकते हैं VN एडिटर। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आसानी से। सबसे पहले ओपन करना है, तो यहाँ से ओपन कर दिया है। यहाँ पर अभी मैं इसे अपडेट नहीं करता हूँ, बाद में अपडेट करूँगा। तो इसमें आपको फोटो से वीडियो कैसे बनानी है अपने यूट्यूब शॉर्ट के लिए अपलोड करने के लिए, तो क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस का आइकॉन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हो एक फोटोज और वीडियोज़ का ऑप्शन है, फोटोज़ पर क्लिक कर लेना है और आपको जो भी फ़ोटो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी फ़ोटोज़ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ से मैं फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हो इस एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो इस फोटो से वीडियो, मतलब एक वीडियो बन के तैयार हो चुके हैं। इसमें आप अलग अलग इफेक्ट भी लगा सकते हो, इसकी लेंथ भी कम कर सकते हो, इस क्लिप की आप छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस जैसे इस पर टाइम लाइन फोटो पर क्लिक करोगे तो इस पर आप छोटा बड़ा कर सकते हो इस फोटो को, कितना टाइम आपको रखना है उस फोटो से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, और यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फोटो रिप्लेस का ऑप्शन, यहाँ से कोई दूसरा फोटो आपको आ गया तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, और यहाँ पर मिटा डिलीट भी कर सकते हो सबसे पहले। तो फिर आपको बाद में क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ आपको इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ पर प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना है। आपका मैट का ऑप्शन, इसमें अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हो इस प्रकार से आप इफेक्ट लगा सकते हो, देख सकते हो इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जो भी आपको अच्छा इफेक्ट लगे वो आपके हिसाब से सेट कर लेना है। यहाँ से देख सकते हो सेट कर लिया, इससे बहुत सारे इफेक्ट आप लगा सकते हो, एफएक्स इफेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो, देख सकते हो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट मिल जाते हैं आपको, थ्रू इफेक्ट मिल जाते हैं यहाँ पर। अच्छे आपको रील शॉर्ट वीडियो आपके फ़ोटो से वीडियो बन जाएगी अच्छी से अच्छी। तो दोस्तों इस प्रकार से बना सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इसमें आप देख सकते हो टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी आपको जो भी यहाँ पर लिखना है वो यहाँ पर, लोकेशन भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हो और वीडियो को बहुत अच्छा बना सकते हो फोटो से वीडियो। तो ये सिंपल आपको मैं एक जरिया बताना चाहता था, आप किस किस अच्छे एप्लीकेशन से अच्छा फ़ोटो से वीडियो बना सकते हो। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन, इसमें आप बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हो अच्छा से अच्छा। आपको मैंने यहाँ पर फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, और पीछे वाला ये इफेक्ट है आपको देख सकते हैं कट हो चुका है। यहाँ पर ये बीस सबसे लास्ट वाला है वीडियो क्लिप, इसको आपको डिलीट कर लेना है, तो एक अच्छा सा आपको बन जाएगा। तो फिर आपको यहाँ उसको आपको
सेव कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पर दोस्तों इसमें आप म्यूजिक भी लगा सकते हो, कि भी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर एक प्लस का आइकॉन है यहाँ पर। वैसे तो आप इसमें म्यूजिक यूट्यूब शॉर्ट में शॉर्ट से ही लगा सकते हो, फोटो से वीडियो आपको सिर्फ इफेक्ट लगा के शॉर्ट देना है, आपको फोटो से वीडियो बन जाएगा। फिर आपको वहाँ से यूट्यूब शॉर्ट का ऑप्शन से ही ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, देख सकते हो यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वीडियो अपने गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट होना सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 100% पूरा होगा तो ये अपने गैलरी के अंदर सेव होकर रेडी हो जाएगा आपका वीडियो। फिर आपका ये शॉर्ट वीडियो आप कहीं पर भी अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब रील्स कहीं पर, यूट्यूब शॉर्ट में कहीं पर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सेव टू एल्बम कर देना है, तो ये आपका वीडियो बनकर तैयार हो गया। इसे अपलोड कैसे करना है, तो सबसे पहले ओपन कर देना है यूट्यूब को, और यहाँ पर देख सकते हो प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है का ऑप्शन है, एड क्लिक। वाला वीडियो आ चुका है, देख सकते हो आप डन पे क्लिक करना है। यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो आप वीडियो ट्रैक, देख सकते हो यहाँ पर वो यहाँ पर साउंड भी ऐड कर सकते हो, कोई भी आपको जो भी अच्छे लगे वो यहाँ से आप अपने यहाँ पर देख सकते हो। वीडियो में आप अपना ऐड कर सकते हो, आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर टाइटल लगा के अपलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय।